जब भी हम अपने आईफोन के अंदर कोई भी स्क्रीनशॉट लेने जाते हैं तो करते क्या है कि हम अपने एंड्रॉयड वाले आदत को आईफोन में भी इस्तेमाल करते हैं। करते क्या है कि वॉल्यूम डाउन बटन को और पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करते हैं और उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे पावर ऑफ वाला मेन्यू खुल जाता है और यहाँ पे आपसे फिर से पासवर्ड मांगता है। लेकिन अगर आप सभी एंड्रॉयड यूजर हो और उसके बाद एक आईफोन यूजर बने हो तो यहां पे तो एंड्रॉयड में ऐसे ही स्क्रीनशॉट लेते हैं। देख लो, पावर डाउन बटन, वॉल्यूम डाउन बटन, पावर ऑफ बटन और स्क्रीनशॉट कैप्चर। लेकिन आईफोन में इससे भी बहुत आसान तरीका है स्क्रीनशॉट लेना और आज मैं आप सभी को इस वीडियो के अंदर यही बताऊंगा कि कैसे आप सभी अपने आईफोन में स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और यहाँ पे एक और तरीका बताऊंगा जिसका इस्तेमाल करके आप चुटकियों में बहुत ही आसान तरीकों में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप सभी अपने आईफोन के अंदर स्क्रीनशॉट कैप्चर करना चाहते हो तो बहुत ही आसान तरीका है, अपने वॉल्यूम अप बटन को और पावर बटन को 1 सेकेंड के लिए क्लिक करना है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे क्लिक करना शुरू कर दिया, ये मैंने क्लिक कर दिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, देख रहे हो ना। यहाँ पे मैंने इसे डिलीट कर दिया, फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, वॉल्यूम अप बटन, पावर बटन, 1 सेकेंड, क्लिक, स्क्रीनशॉट, देख रहे हो, बहुत आसान है दोस्तों। इतना ही आसान आपको सैमसंग के फोन में भी देखने को मिलेगा। ये देखिए, मैंने क्लिक किया, स्क्रीनशॉट कैप्चर। हाँ, अगर आप सभी एक सैमसंग से आईफोन में शिफ्ट हुए हो तो बहुत आसान है सैमसंग में भी स्क्रीनशॉट लेना, एकदम सेम डिट्टो है दोस्तों। अगर आप अपने वॉल्यूम डाउन बटन को और पावर बटन को 1 सेकेंड के लिए क्लिक करते हो तो सैमसंग में भी स्क्रीनशॉट ले लिया जाएगा। देख रहे हो ना, मैंने यहां पे वॉल्यूम डाउन बटन, पावर बटन, 1 सेकेंड छोड़ दिया, कैप्चर। सेम वही चीज है दोस्तों, अगर आप अपने आईफोन में भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो वॉल्यूम अप बटन को एंड्रॉयड में डाउन और आईफोन में अप, पावर बटन, वॉल्यूम अप बटन और 1 सेकेंड छोड़ दो, कैप्चर। दबा के नहीं रखना है, दबा के रखोगे तो यहां पे कुछ और खुल जाएगा। तो यहां पे बस आपको करना क्या है, वॉल्यूम अप बटन, पावर बटन, 1 सेकेंड, क्लिक। मुंह दर्द करने लगा, इस बात पे एक लाइक कर देना इस वीडियो को। आईफोन के अंदर स्क्रीनशॉट लेने का एक और आसान तरीका है। करना क्या है आपको, अपने फोन के सेटिंग में जाना है, यहाँ पे आप सभी को एक्सेसिबिलिटी, ये देख रहे हो ना, इसके अंदर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा टच का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आप सभी को बैक टैप, ये जो फीचर है वो iOS 14 में स्पेशली ऐड किया गया है। अगर इससे अपर वर्जन है आपके पास तो ही ये फीचर मिलेगा, इससे डाउन वाला में आपको नहीं मिलेगा। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको डबल टैप, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आप सभी को स्क्रीनशॉट सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आप क्या करो कि डबल टैप करो और स्क्रीनशॉट कैप्चर हो जाएगा, 1, 2, देख रहे हो ना। तो इस तरीके से आप अपने आईफोन के अंदर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो कुछ इसी तरीके से आप सभी अपने आईफोन में स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बस आपको क्या करना है, देख रहे हो ना, बस 2 बार आपको क्लिक करना है पीछे और आपका स्क्रीनशॉट कैप्चर हो जाएगा। देख लीजिए फिर से, 1, 2, कैप्चर। कभी कभी ये रिस्पॉन्स नहीं करता है क्योंकि यहाँ पे मैंने पीछे बैक कवर लगा दिया है, इसलिए रिस्पॉन्स नहीं करता है। बाकी अगर आप सभी इसे बंद करना चाहते हैं तो बस यहाँ पे बैक टैप को नन कर दीजिए, बंद हो जाएगा, सिर्फ आपका वॉल्यूम अप बटन और पावर बटन वाला ही काम करेगा। तो यही तरीका था दोस्तों अपने आईफोन के अंदर स्क्रीनशॉट लेने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो जरूर से इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए आईफोन से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोज लाते रहते हैं। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, टिल देन एंड गुड बाय।